We've looked at a couple of different models. One was the simple economy model. The other was a model based on simulation of life. Now we get back to the concept of forest fire and see how we can see very interesting and emergent behavior in our model. So before we look at the model, let us understand the complexity dynamics of the real world. Forest fire. It seems very simple, but it's not. It is extraordinarily complex phenomena. कहाँ पे आग लगती है, कितनी आग लगती है, क्या क्या factors उसमें involve होते हैं. बज़ाहिर ये बात बहुत सादा है, लेकिन actually ये बहुत ही complicated. इसकी study क्यों अहमियत रखती है? क्योंकि दुनिया में हर जगह पर आग लगती है, आग फैलती है, और उस आग से बेइंतहा damage होता है. बहुत ममालिक ने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशंस लिखी, प्रॉब्लम लिखा, और इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल था फायर वेदर इंडेक्स के नाम से, जिसके अंदर बेइंतहा कॉम्प्लेक्सिटी डाली गई कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. और वो इंडेक्स वक्त न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होते हैं, वहाँ पर बनाया. उस फायर वेदर इंडेक्स की वैल्यूज भी कांस्टेंट नहीं है, वो फिर भी चेंज होती रहती हैं. फायर वेदर इंडेक्स ऐसे मल्टीपल इंडेक्सेस की बेस पे चलता है, इंडेक्सेस की बेस पे चलता है, जो कि आपको बारिश, हवा, इसके अलावा वहाँ का जो फ्यूल इंडेक्स है, वो उसमें आग कितनी लगती है, उन सब से एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि इस इलाके में आग कब लगेगी. नाउ बेसिकली फॉरेस्ट फायर को अगर गौर से देखा जाए तो वो एक ख़ास रियल वर्ल्ड के फिनोमेना पे फोकस करती है. और वो फिनोमेना कौन सा है? टिपिंग पॉइंट. व्हाट इज़ अ टिपिंग पॉइंट? टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक ख़ास थ्रेशोल्ड होता है, जिसके बाद फिनोमेना में फंडामेंटल स्टेट चेंज आ जाता है. सो अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर देखना चाहते हैं, तो एक ख़ास आप देखेंगे कि किस जगह पे कुछ ड्रॉप्स अगर आप डालना चाहते हैं एक पानी के, एक ख़ास जगह पे जाके ग्लास जो है वो उलट जाएगा. वो पॉइंट जिस पे वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड द टिपिंग पॉइंट. और फॉरेस्ट फायर इज़ अ फिनोमेना विच इज़ बेस्ड ऑन टिपिंग पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि जब भी आप उसको फॉरेस्ट फायर को लगती है, कई दफ़ा एक बहुत बड़ी आग भी बुझ जाती है बेस्ड ऑन द करंट फिनोमेना, द करंट फीचर्स, हवा चल रही है, बारिश हो रही है. कई दफ़ा वही स्मॉल आग भी जो है, वो छोटी आग भी जो है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है. सो वाई इज़ दैट सो? बिकॉज द टिपिंग पॉइंट वॉज रीच बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. सो टिपिंग पॉइंट क्या होता है? एक माइनर चेंज आता है आपके पास और वो लार्जर आउटकम में आता है. और गुड एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट फायर की. नाउ ये जो मॉडल है, ये बहुत सेंसिटिव है एक पैरामीटर पे, और हम उस पैरामीटर को देखेंगे. वो पैरामीटर जो है वो सिमिलर है परकुलेशन की बेसिस पे. जैसे आपके पास पानी फैलता है, उसी तरह से आग फैलती है. पर और वो है परसेंटेज ऑफ ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय द ट्रीज. जितनी ज़्यादा आपकी डेंसिटी होगी, उतनी फॉरेस्ट फायर इंक्रीज करने के चांस होंगे. अभी ये आप यूँ समझें कि ये सिंपल फॉरेस्ट फायर मॉडल है. हम उसके बाद इसकी एक्सटेंशंस देखेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के डायनामिक्स इस मॉडल के अंदर डालेंगे. नाउ कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आग बहुत छोटी होती है और अचानक ही वो लीप करके किसी और जगह पहुँच जाती है, एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिपिंग पॉइंट इन द सिस्टम, कि उसके अंदर टिपिंग पॉइंट कैसे अचीव हुआ. सो इसका फ़ायदा क्या है? अगर हमें टिपिंग पॉइंट का पता चल जाता है, तो हमें ये पता चले कि एक पैरामीटर दिस पैरामीटर की जब इस वैल्यू जाएगा, फिर टिपिंग पॉइंट. अगर वो पैरामीटर कभी भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है वो कभी भी आउटकम एक्सपेक्ट आप उससे ना करें, आप वेस्ट ना करें अपनी एनर्जी उस फाइंड आउट करें. सेकेंडली, अगर आपको पता हो कि टिपिंग पॉइंट किस जगह पर है और आप उसके कितने क्लोज हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस पैरामीटर के ऊपर हम कितना फोकस करें या ना करें, यानी कितनी ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर
डाली जाए टिल द टाइम टिपिंग पॉइंट इज अचीव्ड. सो अगर बहुत फार अवे हैं टिपिंग पॉइंट से तो फिर इट्स नॉट वर्थ वाइल टू चेंज. अगर आप ट्राई करें कि चेंज करना सिस्टम में तो कुछ भी नहीं होने वाला. लेकिन अगर आप क्लोज पे हैं तो देन यू आर गेट रेडी, यू कैन मेक सम स्मॉल चेंज विच इज गोइंग टू चेंज अ फंडामेंटल कॉज अ फंडामेंटल चेंज ऑफ स्टेट इन योर सिस्टम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट फायर मॉडल, इट इज सिमिलर टू परकुलेशन. परकुलेशन कैसे, जैसे ऑयल है वो किसी और मटेरियल से गुजरता है, जैसे रॉक है सेडिमेंट से गुजरता है. नाउ बेस्ड ऑन इट पोरोसिटी, उसके अंदर कितने पोरस नेचर. इफ यू लुक एट परकुलेशन, हियर इज एन एग्जांपल. यू सी इट लुक्स एज इफ इट देयर इज सम फ्लूइड व्हिच इज गोइंग थ्रू द सिस्टम, दिस इज परकुलेशन. एंड द सेम फेनोमेना रिजल्ट्स इन द केस ऑफ फॉरेस्ट फायर. सो वी लुक एट द फॉरेस्ट फायर मॉडल, हमने पहले भी इसकी थोड़ा सा देखा था. इसके अंदर हमारे पास अब अभी है डेंसिटी 57%. हमने जब उसको रन किया तो फायर जब स्टॉप हुई तो 10.7% पे जाके आपका बर्न हुआ. नाउ दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, एवरी सिंगल टाइम वी रन दिस सिमुलेशन वी गेट डिफरेंट रिजल्ट बिकॉज द कवर इज टोटली रैंडम एट द माइक्रो लेवल. तो जो डेंसिटी है वो बिल्कुल रैंडम है एट द फॉरेस्ट लोएस्ट लेवल. सो वी हैव सीन के फॉरेस्ट फायर एक कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. और फॉरेस्ट फायर के पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे फॉरेस्ट फायर लगती है और फैलती है. और यही फॉरेस्ट फायर की स्पेशलिटी है जिसको मॉडल करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं.